तो अगर आप अभी ऑस्ट्रेलिया में कोई स्टडी कर रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में आकर आप बैचलर्स या मास्टर्स या पीएचडी करने वाले हो, उसके ऊपर जो आपके उसके बाद आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता था फ्रॉम 1 जुलाई 2023, उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो इस वीडियो में उस पर बात करें, तो लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों साथ शेयर जरूर कीजिएगा। राम राम जी, मेरा नाम है सचिन धुअन और मैं ऑस्ट्रेलिया के शहर एडलेड में एज ए रजिस्टर्ड नर्स पिछले 4 साल से काम करता हूँ। तो आज बात करते हैं भाई, एक जो 1 जुलाई से नई अपडेट आने वाली है। वैसे ये अपडेट तो अनाउंस काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, अराउंड इन फेब्रवरी, लेकिन स्टार्ट ये 1 जुलाई से होने वाली है। तो पहले आपको ये बताता हूँ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा क्या होता है भाई। इसको आप सब क्लास कह दो 485 या PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। ये अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल पढ़ते हो या फिर आप बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो या PhD कर रहे हो, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा वीज़ा मिलता था कि इस आपने ये स्टडी की है, अब आप काम कर सकते हो। पिछले कुछ में 2 साल का, कहीं पे 3 साल का, कहीं पे उससे ज़्यादा का, वो डिपेंड करता था कि आप क्या पढ़ रहे हो और कहाँ पढ़ रहे हो, इन सारी बातों पर डिपेंड करता था। तो अब क्या हुआ है, अब 1 जुलाई से अगर आप बैचलर्स पढ़ रहे हो तो आपका अलग हो गया है ड्यूरेशन, मास्टर्स पे भी अलग हो गया है और PhD पे भी अलग हो गया है। अब इन तीनों में जो ड्यूरेशन थी आपकी वो बढ़ा दिए। पहले मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि पहले कितनी होती थी और अब कितनी होगी। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पहले बैचलर्स करते थे तो आपको उसके बाद 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता था, अब उसको बढ़ा के उन्होंने 4 साल कर दिया है। अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पहले मास्टर्स करते थे, उसमें आपको पहले 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता था, उसको बढ़ाकर उन्होंने अब 5 साल कर दिया है। और अगर आप PhD करते थे, डॉक्टरेट, तो उसमें आपको 4 साल का मिलता था, उसको बढ़ाकर 6 साल का कर दिया है। अब इसमें एक नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि ये जो चेंजेस हैं वो कुछ सेलेक्टेड क्वालिफिकेशंस में ही हैं। एक लिस्ट उन्होंने जारी की है, अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ऑस्ट्रेलिया रीसेंट अपडेट्स डालते हो गूगल पे तो आपको काफ़ी लिंक्स मिलते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ ऑफिशियल लिंक पर जाएं, उस पर आपको वो लिस्ट भी मिलती है। और सबसे अच्छी बात ये है, अगर जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं मोस्टली नर्सिंग पर वीडियो डालता हूँ, तो नर्सिंग का मैंने अभी चेक किया है, उनका उस लिस्ट में नाम है, बैचलर ऑफ नर्सिंग भी और मास्टर ऑफ नर्सिंग भी। अब मास्टर ऑफ नर्सिंग में भी दोस्तों, मास्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, मास्टर ऑफ नर्सिंग, मास्टर ऑफ नर्सिंग प्री रजिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ नर्सिंग ग्रेजुएट एंट्री, मास्टर ऑफ नर्सिंग इंटरनेशनल स्टडीज़, काफ़ी सारी हैं, जिनमें से पहली बात तो कुछ ही ऐसी होती है दोस्तों जो आपको रजिस्ट्रेशन दिलाती हैं, वो ही करनी चाहिए, बाकी को कोई फायदा नहीं होता है। और ये मास्टर ऑफ नर्सिंग सारी हैं, बैचलर ऑफ नर्सिंग भी हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा कौन से अपनी नर्सिंग डिग्री का नाम है उसमें। तो अब इसका आपको फ़ायदा क्या होगा, अब दोस्त पूछते हैं मेरे कि भाई लगा लो मैंने कर ली PhD, मास्टर्स या नर्सिंग कर ली है, अब RN बन गया तो आगे फ्यूचर में क्या स्कोप होगा। तो भाई देखो, पहली बात तो मैं फ्यूचर का इतना बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मेरा ये मानना है पर्सनली कि जब तक लोग बीमार होते रहेंगे ऑब्वियसली नर्सिंग रहेगी, ठीक है। अब इतनी भी नहीं होगा कि लोग बीमार नहीं होंगे, और अगर आपको मैं ऑस्ट्रेलिया के हालात बताऊं, जो बड़े शहर हैं उनमें ठीक ठाक है, नर्सिंग नर्सेज की इतनी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन जैसे आप थोड़े से बाहर जाते हो, छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, गाँव हैं, उनमें काफ़ी तंगी है। मैं कहूँगा यस, इट इज़ देयर, इसलिए वो काफ़ी सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं। अब एज केयर के एग्रीमेंट में भी चेंजेस लाए हैं, उसके ऊपर भी आपको जल्दी बताएंगे, आपको बहुत अच्छी अपडेट आई है उसमें, एक जल्दी वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। अब आपका इसमें क्या फ़ायदा हुआ है चेंजेस आने पर, जैसे कि पहले अगर आपको 2 साल का मिलता था, कोई भी आप XYZ स्टडी कर रहे हो, बैचलर्स या मास्टर्स, जिस जो भी उस लिस्ट में है, पहले अगर आपको 2 साल का मिलता था, आपको उसमें कुछ डिग्रीज में ऐसा होता है आपको प्रोफेशनल ईयर करना होता है, कुछ में ऐसा होता है कि PR के लिए रिक्वायरमेंट होती है, 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस, काफ़ी ऐसे ऐसे कंडीशंस होती हैं, तो कुछ ऐसा होते हैं आपकी स्टडी कुछ आपने ऐसी की होती है जिसमें आगे क्या पता PR नहीं होता, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कुछ ऐसी नर्सिंग जैसे डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग पढ़ लेते हैं जिसमें आगे स्कोप है अपने TR के टाइम पे, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते थे। तो अब ड्यूरेशन बढ़ने के साथ साथ हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस भी खुल जाएंगे कि जैसे अगर अब मेरे पास मास्टर्स के बाद 5 साल का वर्क वीज़ा और है, तो थोड़ी यार हेडेक कम हो जाती है। हेडेक कम होने के साथ हम हमारे और ऑप्शंस भी देख सकते हैं कि और हम क्या ऑप्शंस है हमारे पास PR के, और हम जो भी एक्सप्लोर करना है वो सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं आपको ये और एक बात बताऊंगा, अगर आप जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है आप 2 जगह से ही आप पता कर सकते हो, या तो एक आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कीजिए ऑस्ट्रेलिया की,
या आप किसी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से बात करके, मैं जो आपको मैं कहूँगा कि ऑफिशियल या जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं उनके बारे में आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो ये तो था दोस्तों अपने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की। मैं तो कहूँगा कि भाई बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसको आप यूटिलाइज़ करें और अपने ऑप्शन बहुत अच्छे खुल गए हैं इसके बाद। और ऑलवेज़ देखें कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो ऑलवेज़ ये कई सारी बातें होती हैं जो आपको चूज़ करनी होती हैं। पहली बात तो मेरे लिए वेदर एक बहुत बड़ा पॉइंट था ऑस्ट्रेलिया में आने का। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आगे फ्यूचर कैसा है। और तीसरा मैं ये कहूँगा कि माइग्रेशन कैसी हो रही है। अब जैसे मैं यूके का मैं पर्सनली मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, अगर आप देखो तो इट इज़ हायर इन नंबर कि जो आपके पास इलीगल इमिग्रेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। थोड़े मतलब मेरे हिसाब से मैंने कोई ऐसा देखा नहीं जो इलीगल हो, लेकिन क्योंकि उसमें कोई लैंड ऐसा बीच में आता नहीं है जहाँ से लोग आ सकते हैं, विच इज़ गुड फॉर मी। इससे जॉब्स भी अच्छे से सिक्योर रहती हैं। और दूसरा जैसे मैंने वेदर की बात की है, तीसरा मैंने क्राइम रेट भी आपको हमेशा देखना चाहिए कि कैसा है। तो अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरा बताऊं भाई, अमेरिका जाओगे तो वहाँ चलो ठीक है लोग डोंकी मार के चले जाते हैं, पैसे ठीक ठाक बना लेते हैं, लेकिन आजकल तो उसमें मैंने सुना है काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन आप वहाँ कहीं भी जा रहे हो, आपको कोई भी बंदा बंदूक ले घूम रहा है, मेरे लिए तो वो सेफ नहीं है। इस मामले में मैंने काफ़ी स्टोरीज तो क्या, एक बार पहले तस्मानिया में ऐसा कुछ हो गया था जब उन्होंने अपने गन लॉज लाए थे वो, उसके बाद बराक ओबामा भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हमें ऑस्ट्रेलिया से गन लॉज के ऊपर सीखना चाहिए। तो देखो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, आपके फैमिली में भी, आप कभी फैमिली के लिए भी सब सारी जगह ठीक हो, जो सबसे बेस्ट हो वो आपको चूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताते रहा करो भाई आपको कैसी और वीडियोस चाहिए, किस और टॉपिक्स पे चाहिए। थोड़ी वीडियोस कम आ रही हैं ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़, और अभी इंडिया हैं तो इंडिया के चिल कर रहे हैं। अगर भाइयों को कभी किसी को कहीं मिलना हो तो आप प्लीज़ अपने स्टेट या अपने हरियाणा में आप कहीं हो तो प्लीज़ बताना। अभी जल्दी कुछ प्लान करेंगे, अपने हिसार में हूँ मैं, हिसार में कुछ प्लान करेंगे। बाकी दोस्तों कमेंट करके बताओ और अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई, और जो अपना इंस्टाग्राम है वहाँ पर आप अपडेट्स की छोटी छोटी मैं क्लिप्स कभी कभार डाल देता हूँ, वो भी आप देख सकते हो। और अगर आपको सही वीडियो लगती हो, आपको लगता हो कि ये यूज़फुल वीडियो है, तो भाई शेयर जरूर करना ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पता चले। कि मेरा मेन मकसद वीडियोज़ बनाने का ये है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था मुझे जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई वो मैं आपको शेयर कर सकूँ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, राम राम।